RPTV न्यूज़ की खबर पाने के लिए लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं, साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं। 12,000 से अधिक राज्यसभा सदस्य मनोनीत होने के बाद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी बड़वानी पहुंचे। उन्होंने आज सूर्य ग्रहण के बाद राजघाट पहुंचकर मां नर्मदा जी की दर्शन कर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस बीच घाट पर उपस्थित लोग उनसे मिलने आते रहे और उन्हें बधाई देते रहे। इस दौरान उनसे क्षेत्र के विकास के बारे में पूछे जाने पर सबसे पहले उन्होंने क्षेत्र की जनता को राम राम कहा और क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया। तो वहीं राज्यसभा सदस्य के रूप में अपनी पहली राजनीतिक शुरुआत करने पर उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व अन्य बिंदुओं पर लक्ष्य के रूप में कार्य करते हुए राष्ट्र और प्रदेश के नेतृत्व के उन पर जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने के साथ निमाड़ की जनता के सपने पूरे करने की कोशिश करूँगा। सर, राज्यसभा आप निर्वाचित हुए हो, क्या बड़वानी को, बड़वानी जिले को किस ओर ले जाऊँगे, किस विकास की ओर ले जाऊँगे और क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? बड़वानी जिले के सभी निवासियों को सबसे पहले तो मैं राम राम करता हूँ। बड़वानी जिले के निवासियों के आशीर्वाद से आज निमाड़ में और मध्य प्रदेश में बड़वानी जिले को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मुझे राज्यसभा में निर्वाचित होकर जाने का अवसर मिला। राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के और इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी तथा प्रदेश नेतृत्व में प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय विष्णु दत्त शर्मा जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और भारतीय जनता पार्टी के कुशल संगठन व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी को और मुझे यह सीट पर विजय प्राप्त हुई है। इस विजय के लिए मैं मध्य प्रदेश के समस्त सम्माननीय विधायक गणों का और संगठन का, मध्य प्रदेश की 1.5 करोड़ आदिवासी भाइयों और बहनों की तरफ से आत्मीय आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि आपने कहा है कि निमाड़ और बड़वानी के लिए क्या नया होगा, मैंने बचपन से ही बहुत सारे सपने संजोए थे, अब उसको पूरा करने का अवसर आ गया है। जितना समय मुझे इस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है, राजनीतिक क्षेत्र में मेरी शुरुआत भी है, इस शुरुआत की अवधि में मैंने 10 से अधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं को लक्ष्य के रूप में अपने सामने रखा है और मैं कोशिश करूँगा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में और जो हमारा रोजगार वाला विषय है, पर्यटन वाला विषय है, इन सब बातों को लेकर मैं काम करूँगा। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी का संगठन और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो सब हैं। इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने उन पर जो विश्वास जताया है उस विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा और निमाड़ की जनता का जो सपना है और सपना उन्होंने जो संजोया है उसको मैं पूरी कोशिश करूँगा। आज राजघाट आए हो, आज सूर्य ग्रहण है और हमारी सनातन संस्कृति में कहा गया है कि सूर्य ग्रहण के बाद स्नान करें और मैं उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज सब परिवार मां नर्मदा की गोद में मां नर्मदा जी के सानिध्य में स्नान करने आया हूं। मैं मां नर्मदा जी का पूजन करूंगा और मैया से ये प्रार्थना करूंगा मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत बहुत बेहतरीन तरीके से हो और मुझे मां नर्मदा मैया सदैव आशीर्वाद प्रदान करते रहें।